अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने छतरपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम राहतगढ़ महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि राहतगढ़ महाविद्यालय में अध्ययनरत कुछ विद्यार्थियों का बीकॉम द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम कुछ त्रुटियों के कारण रुका हुआ है, जिससे यह विद्यार्थी तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं ले पा रहे और तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने की अंतिम तारीख भी बढ़ाने की मांग की। राहतगढ़ महाविद्यालय में बीकॉम के छात्र छात्राएं हैं जो उनके लिए सेकंड वर्ष मतलब द्वितीय वर्ष में उनकी मार्कशीट पर पास की जगह डब्ल्यू है मतलब विथ हेड लगा दिया गया है, जिसकी वजह से ना तो वो पास की श्रेणी में आ रहे हैं ना फेल की श्रेणी में, और उनको तृतीय वर्ष में प्रवेश करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में हम लोगों ने कुल सचिव के नाम का प्राचार्य महोदय जी को ज्ञापन सौंपा। परेशानी उसमें साइट पर जब वो डाल रहे हैं ना तो विथ डब्ल्यू एच लिखा आ रहा है, जिसकी वजह से तृतीय वर्ष में उनकी वो अंक सूची अप्रूव नहीं हो रही साइट पर, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फार्म की लास्ट डेट चुकी आज ही है। परिषद ने मांग की है कि इनका विथ हेल्ड हटा के और दिनांक बढ़ाई जाए आगे, ताकि जो विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो सब सही हो जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को विगत वर्षों की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वह छात्रवृत्ति दिलाने की भी मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई। हमारे सेकंड ईयर की अंक सूची में डब्ल्यू एच लिखा आया है, जिसकी वजह से हम लोगों की परीक्षा फीस नहीं भरी जा रही है और हम लोग पेपर नहीं दे सकते और आगे का कुछ चल ही नहीं रहा है। हम लोग दे भी पाएंगे पेपर की नहीं। कितने लोग आप लोग? हम लोग 16-17 लोग हैं एक क्लास में और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी हैं कुछ, मतलब पूरे बीकॉम वालों को सारे उसमें आई है, सब लोगों को आई है और सर हैं कि कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं किसी को नहीं है बीकॉम वालों को खाली। हम लोगों का डब्ल्यू एच हट के जो आज लास्ट डेट है वो बढ़ा दी जाए। वहीं इस संबंध में राहतगढ़ महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि विद्यार्थियों के रुके हुए परीक्षा परिणाम के संबंध में छतरपुर विश्वविद्यालय से पत्राचार किया गया है। आज ज्ञापन दिया गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, कि जो ज्ञापन है वो कुल सचिव महोदय छत्रसाल विश्वविद्यालय की ओर है। इसमें इन्होंने लिखा है कि इनका जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी तक जो है सुधार नहीं हुआ है। तो इसके संबंध में हमने विश्वविद्यालय को कल ही पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और 16 छात्रों का उसमें जानकारी लिखकर एनरोलमेंट सहित जिनका विथहेल्ड प्राप्त हुआ है तो सुधार हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। तो इसी के संबंध में ये ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है। अब इस ज्ञापन की प्रति और महाविद्यालय से जो कल पत्र भेजा गया है उसकी प्रति छत्रसाल यूनिवर्सिटी को जो है मेल के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और सुधार हेतु जो है पत्र प्रेषित करने कर रहे हैं आज। वहीं इस संबंध में छतरपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का कहना है कि राहतगढ़ महाविद्यालय के बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के सेशनल और प्रैक्टिकल के नंबर छतरपुर विश्वविद्यालय नहीं भेजे गए हैं, इस वजह से रिजल्ट रुका हुआ है। जैसे ही नंबर उपलब्ध हो जाते हैं रिजल्ट तुरंत ही घोषित कर दिया जाएगा। इसको लेकर राहतगढ़ महाविद्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। जहाँ तक स्पेशल आपने राहतगढ़ कॉलेज की बात की है, मेरे संज्ञान में राहतगढ़ की बात कल आई थी और उसमें ये निष्कर्ष निकल के आया कि वहाँ के सेशनल के और प्रैक्टिकल के नंबर विश्वविद्यालय भेजे नहीं गए हैं, इस कारण से डब्ल्यू एच विधंड कहलाता है, रुका हुआ है रिजल्ट। जैसे ही वो हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं हम उनका रिजल्ट घोषित कर देंगे। सर वहाँ के प्राचार्य ने कहा है कि यही विश्वविद्यालय की वजह से नहीं हो पा रहा है। प्राचार्य का तो मैं नहीं कहता कि आपसे क्या कहा है उन्होंने, लेकिन हमारे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उन्होंने उनसे दूरभाष पर चर्चा की है और उसमें संज्ञान में ये आया है कि वहाँ से अंक जो है इन छात्रों के उपलब्ध नहीं हुए हैं। अब सर क्या निर्देश दिए हैं सर? निर्देश ये है कि हम उनको एक लेटर जारी करते हैं, चूँकि आपने हमको आपके माध्यम से हमें पता लगा है कि एक छात्र संगठन ने जो एक पत्र ही आपको दिया हुआ है जो आपने उपलब्ध कराया है, तो उसके आधार पर हम प्राचार्य जी को एक पत्र जारी करके वस्तु स्थिति जानते हैं और फिर प्रकरण का निराकरण करेंगे।